नमस्कार, सिलवासा न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज 2020 के तहत एक साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन में साइकिल जैसे गैर मोटर चालित और किफायती परिवहन के महत्व के बारे में जागरूक करना था। इस रैली के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध थी। इस बहुप्रतीक्षित साइकिल रैली के लिए लगभग 400 व्यक्तियों ने अपना पंजीकरण कराया। कोविड-19 अनलॉक के संबंध में भारत सरकार के निर्देशों और दिशा निर्देशों के अनुसार केवल 100 व्यक्तियों को किसी उम्र और लिंग भेद के इस रैली में भाग लेने के लिए वर्णानुक्रम में अनुमति दी गई। लोगों में एक बड़ा उत्साह देखा गया, जिसे आसानी से समझा जा सकता है जब 10 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों और बच्चों ने स्वेच्छा से भाग लिया है। सभी प्रतिभागियों को स्वर्ण पदक देकर फिनिशर के रूप में सम्मानित किया गया। वातावरण बहुत ही भव्य और गर्व से भरा हुआ था, जब 10 दिव्यांग बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों को साइकिल और तिपहिया साइकिल द्वारा 5 किलोमीटर के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अपूर्व शर्मा ने कहा कि सभी आयु वर्ग के लोगों में उत्साह को देखते हुए यह आसानी से समझा जा सकता है कि लोग बदलाव चाहते हैं और वे मोटराइज्ड वाहन के अलावा अन्य महत्वपूर्ण परिवहन साधन के रूप में साइकिल को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर शर्मा ने आगे उल्लेख किया है कि व्यवस्था परिवर्तन इच्छा और महत्व पर निर्भर करता है। यदि हम साइकिल और साइकिल चालक को महत्व देते हैं तो निश्चित रूप से यह हमारी मानसिकता को बदल देगा और हम अच्छे स्वास्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण के लिए साइकिल को अधिक महत्व दे सकते हैं। डॉक्टर शर्मा ने आगे उल्लेख किया है कि इस प्रकार के साइकिलिंग जागरूकता कार्यक्रमों को जारी रखा जाएगा और आशा है कि यह हमारे शहर को साइकिल चलाने के अनुकूल बना देगा। देखिए हमारा यह रिपोर्ट। It is a great initiative for Cycle for Change. It also improves our health. ये जो SMC ने initiate लिया है वो काफ़ी अच्छा है, health को मद्देनज़र रखते ये जो भी initiate कर रहे हैं, and I'm proud I'm being a part of Silvassa Smart City. India Cycles for Change Challenge भारत सरकार की Ministry of Housing and Urban Affairs की एक पहल है, जिसके अंदर 95 शहर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें से सिलवासा भी एक है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पर जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाएं, उसको हम प्रमोट कर पाएँ, लोग साइकिल यूज़ करें, ना सिर्फ अपने वर्जिश के लिए बट ऑल्सो अपने जो काम पे जाने के लिए और अपनी सब्जी खरीदने जाते हैं, छोटे मोटे जो आसपास के काम होते हैं उसमें हम साइकिल पे करें, ताकि हम तेल भी बचा सकें, हमारे देश को और हमारे पर्यावरण को बचा सकें और सब लोगों को जो शहर में रहते हैं उनको प्रदूषित हवा से बचा सकें। तो अपना और अपने परिवार, अपने घर, अपने शहर का भला होगा अगर हम सब लोग साइकिल चलाएंगे, पैदल चलेंगे और मोटरसाइकिल और गाड़ियों को कम से कम इस्तेमाल करेंगे। सर, सिलवासा शहर में साइकिल ट्रैक बनाने के लिए अभी और क्या आपके लिए चैलेंज होगा यहाँ पे?
यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज जो है मेरे हिसाब से मानसिक सोच जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज है। आज की तारीख में हम रास्ते बनाते हैं तो रास्तों पे ये मान के चलते हैं कि पहला हक गाड़ी वालों का है कि गाड़ी की पार्किंग के लिए हम साइकिल ट्रैक नहीं बना सकते, बट हमारे लिए ये सोच बदलना ज़रूरी है कि रोड पे एक साइकिल वाले का भी उतना ही हक है जितना कि किसी आपके गाड़ी वाले का है। तो हम जब गाड़ी वालों को और साइकिल वालों को बराबर का मापदंड से उनको देंगे इम्पोर्टेंस, तब हम इस परिवर्तन में सही में बदलाव ला पाएंगे। हमारे लिए आज आपने देखा कि सिर्फ उम्र वाले नहीं, बच्चों को लिए भी और जो फिज़िकली चैलेंज है हमारे भाई बहन उनके लिए भी हमारे को ध्यान रखना है। हर एक वर्ग के लिए लोगों को लेके साथ चलना है। इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि सुरक्षित साइकिलिंग के लिए सुरक्षित लेन्स हो, और जब सुरक्षा लोगों की ध्यान रखी जाती है तो लोग अपने आप साइकिल चलाते हैं। हमारी कोशिश है कि जितने भी उम्र वाले लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए डेडिकेटेड साइकिल लेन अगर बने, और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का समर्थन चाहिए हमारे को। लोग जब इस चीज़ को समर्थन करेंगे कि हाँ हमारे लिए गाड़ी से ज़्यादा ज़रूरी साइकिल है, साइकिल पे चलने वाले भी उतने ही ज़रूरी हैं, तो अपने आप परिवर्तन आएगा। बस रजिस्ट्रेशन तो 400 से ऊपर थे, बट हमने सिर्फ 100 लोगों को ही बुलाया था, तो आज हमारे यहाँ पे करीब 100 लोगों ने पार्टिसिपेट करा इसके अंदर, और शहर के मुख्य मार्गों पे और लोगों के जो रिहायशी एरिया है उसके थ्रू हमने आज ये रैली करवाई है। रैली का मकसद रेस नहीं था, इसीलिए सब लोगों ने आराम से धीरे से जाके सबको लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली करवाई थी, जिसका काफ़ी सफल रही है। सर, इसमें कौन कौन से विभाग शामिल हुए? साइकिलिंग फॉर चेंज चैलेंज मेनली तो सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड की पहल है, और उसमें हमारे को बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से, और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स ने हमारा पूरा समर्थन दिया है, पुलिस, हेल्थ डिपार्टमेंट। तो ये जो है एक सबसे ज़्यादा जो मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है कि साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज के अंदर लोगों को सबको साथ मिलकर चलना है। जब हम लोग ठान लेंगे कि भाई नहीं, हमें बदलाव चाहिए देश में, शहर में, बदलाव आएगा।